आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता है चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता ढाई अक्षर का शब्द है, ची न ता। च शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाली, न शब्द का अर्थ है नकारात्मक सोच देने वाली, और त शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाली आपके मन में और आपकी जिंदगी में। कबीर दास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। कबीर दास जी कहते हैं चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके काट काट के दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। पर कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं, चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता कर लें पर आपका किसी बात पे कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं, और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा। अगर आप इसीलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और उससे आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पे अब कंट्रोल है? आपका उस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या फायदा चिंता करके? आप ना अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर दो भिक्षु रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब वो भिक्षा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया और उसमें उनकी छत उड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने एक तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा तुझे मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी वो भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तूने तूफान में उड़ा ली। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना कभी हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, एक जैसी है, लेकिन मन स्थिति दोनों की अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं तो उससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए, किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो मेरे घर में ना चोरी हो जाए, किसी और के साथ गलत हुआ तो मेरे साथ ना गलत हो जाए, किसी और के घर में छापा लगा तो मेरे घर में ना छापा लग जाए। पता है कई बार सोच सोच के ही आप उस नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में होती नहीं है, लेकिन सोच सोच के जो बात ना भी होने वाली हो ना, वो एक दिन सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोच के इतना आकर्षित किया कि वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। एक व्यक्ति था जो कहीं से भी लोगों की बात सुन लेता था तो उस पे विश्वास कर लेता था और उसी हिसाब से चलता था। उसकी बीवी उससे बहुत परेशान थी, एकदम वहमी हो गया था, उसे जो जैसा कहे उनकी बातों में आके वैसा ही करने लग जाता था। उसकी पत्नी ने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की कि मेरे पति को ये बीमारी है,
उसे जो जैसा कहे वो वैसा ही सोचने लग जाता है। मैं क्या करूं, बहुत परेशानी होती है, दुखी हो गई हूं मैं। तो उस डॉक्टर ने एक सलाह दी उसे कि जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करती जाओ। जैसे ही ये सुबह को उठे तो तुम उसे कहना कि आज बहुत बीमार लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, और यही बात नौकर को भी कहनी है, यही बात जो तुम्हारा वॉचमैन है उसे भी कहनी है, जो तुम्हारा ड्राइवर है उसे भी कहनी है। जब वो ऑफिस पहुंचे अपने तो वहां के लोग भी उसे वही बात कहें। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। जैसे ही वो व्यक्ति सुबह को उठा वो उस दिन बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो नींद से उठा तो उसकी पत्नी ने कहा क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। उसके पति ने सोचा मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है कि मैं बीमार लग रहा हूं। फिर उसने आईने में शक्ल देखी तो मन में सोचने लगा कि हाँ मुझे भी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वो नहा धो के तैयार होके आया तो नौकरों ने भी यही बात कही कि मालिक आज आप बीमार लग रहे हो, क्या बात हो गई है। जब वही बात नौकरों ने भी कही तो उसका विश्वास पक्का होने लगा। उसने कहा हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो कार में बैठा तो वही बात ड्राइवर ने भी कही कि क्या बात है मालिक, आज तो आप बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं। तो उसने भी कहा हाँ मेरी आज तबीयत बहुत खराब लग रही है। जैसे ही वो अपने घर के गेट से निकल रहा था तो उसके वॉचमैन ने भी वही बात कही कि मालिक आप आज इतने बीमार लग रहे हैं, ऑफिस कैसे जा रहे हैं। वो बोला क्या करूं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा ऑफिस के सारे लोगों ने यही बात कही कि इतनी बीमारी में भी आप ऑफिस कैसे आ गए। उस इंसान के मन पर उन सब की बातों का इतना असर हुआ कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसको दो लोग पकड़ के वापस कार में छोड़ने आए और ड्राइवर उनको पकड़कर घर लेकर आया। शाम को उनका फैमिली डॉक्टर घर आया, उसने उनकी तबीयत चेक की और उनसे कहने लगा आपको कोई बीमारी नहीं है। वो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में खड़ा रहने की भी ताकत नहीं है। फिर उस डॉक्टर ने उन सारे लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और वो सारी हकीकत उस व्यक्ति के सामने रखी। जब उसने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत हैरान हो गया कि इन सब लोगों ने जो झूठ मेरे मन में डाला मैंने उसे सच मान लिया। जो बातें मैं सुनता रहता हूँ उन्हें सच मान लेता हूँ और उसकी वजह से मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ और उसकी वजह से मैं हमेशा डरता रहता हूँ। और पता है ये कहानी किसकी है, ये कहानी हमारी है। हम भी बेवजह डरते हैं, हम भी बेवजह चिंता करते हैं, कुछ सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा डर हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाए कि जिस बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, वो सच नहीं है, ना ही वो सच होने वाला है। जो हुआ ही नहीं है उसको सोच सोच के क्यों चिंता करना, और जो गुजर चुका है अब उसकी भी क्या चिंता करना। किसी भी परिस्थिति में चिंता आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती, किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकती। तो आज से अब से अपने मन में ये निश्चय कर लो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो लेकिन हमारी मन की स्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे, हम मन से हमेशा निश्चिंत और खुश रहेंगे। आप मन में ये बात बिठा लो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, जो कुछ भी बदलेगा आपके कर्म करने से बदलेगा।